हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने जो पिछला वीडियो दिखाया था उसमें आप में से कोई एक व्यूअर मेरे को स्पीड फ्रेम का ड्राफ्ट कैलकुलेशन के बारे में पूछा था, और आज हम ड्राफ्ट कैलकुलेशन हर डिपार्टमेंट का मशीन का बारे में बता देंगे, कार्डिंग, ड्राइंग, सिंपलेस, रिम फ्रेम। तो उसमें स्पीड फ्रेम का जो पूछा गया था वो क्लियर हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मेरा जितना सारी वीडियो अपन डाल रहे हैं उसमें से किसी को कुछ डाउट रहता है बेझिझक पूछेगा, हम उसको जवाब देंगे। ठीक है, तो ड्राफ्ट कैलकुलेशन के बारे में आज चालू करते हैं हम। ड्राफ्ट कैलकुलेशन क्या होता है, सबसे पहले देखिए ड्राफ्ट क्या होता है। ड्राफ्ट ये होता है सरफेस स्पीड ऑफ फ्रंट रोलर डिवाइड बाई सरफेस स्पीड ऑफ बैक रोलर, इसको ड्राफ्ट बोलते हैं। तो कार्डिंग का अपन सबसे पहले आज कार्डिंग का देखेंगे। कार्डिंग का ग्राम पर मीटर ऑफ लैप 460 ग्राम्स पर मीटर होता है, मतलब लैप का अपन एक मीटर लैप लेंगे, इसको वजन करेंगे 460 ग्राम आएगा उसका, लैप पर ग्राम पर मीटर हो गया लैप का। अपन कार्डिंग का रैपिंग निकालेंगे 0.130 निकालेंगे कार्डिंग का रैपिंग, तो ये ग्राम पर मीटर में, और वो कार्डिंग का रैपिंग जो 0.130 है उसको भी ग्राम पर मीटर में निकालेंगे तो 0.59 में 0.130 डिवाइड कर देंगे 4.53 ग्राम्स पर मीटर हो जाएगा। तो कार्डिंग का जो अपन लैब प्रोसेस करेंगे, ये कटन का बारे में अभी बताया जा रहा है, तो उसमें 6% वेस्ट निकलता है। इसमें अपन जो कार्डिंग का रैपिंग 1.130 है उसे ग्राम पर मीटर निकाले 4.53 ग्राम पर मीटर हो गया, तो ये कटन का कार्ड है, इसमें अपन कार्डिंग में 6% तक वेस्ट निकालते हैं। तो टोटल ड्राफ्ट कितना आएगा, 460 डिवाइड बाई 4.53 इंटू 0.94, मतलब 6% ड्राफ्ट हम कम देंगे तब वेस्ट निकल जाएगा 6%, उसके बाद रैपिंग बराबर आएगा 0.130। तो 460 इंटू 0.94 4.53 ये आ जाएगा 95.45, ये आ गया ड्राफ्ट। तो एग्जांपल समझिए, कार्डिंग का ड्राफ्ट कांस्टेंट है 3594 है, तो सीपी कितना आएगा 3594, इसमें डिवाइड करेंगे 95.45 भाग करेंगे तो ये आ गया 37.65, और इसको राउंड फिगर ले लेंगे तो ये 38 टीथ का अपन चेंज पिनियन डालेंगे तो अपना रैपिंग जो बराबर बढ़ जाएगा 0.130। तो ये जो 6% मैंने इधर पकड़ा है ना, ये कटन कार्ड के लिए पकड़ा। अगर आप सिंथेटिक प्रोसेस करते हो तो पॉलिस्टर चलाते हो, पीवी चलाते हो, ये 1 से 1.5% पकड़ते हैं इसको, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 1 से 1.5% पकड़ेंगे। ये कटन के लिए है, ठीक है, ये सिंथेटिक के लिए। ब्रेकर ड्रॉप है, कार्डिंग रैपिंग हो गया 0.130, ठीक है, ड्रॉप है रैपिंग रिक्वायर्ड 0.120। तो ड्राफ्ट कितना है, ड्राफ्ट कितना है? आज अपन ब्रेकर ड्रॉप फ्रेम का ड्राफ्ट के बारे में बताएंगे, कैसे उसको सेट करते हैं।
समझ लीजिए अपन कार्डिंग का रफिंग 0.130 पकड़े, ठीक है, और ड्रॉप फ्रेम ब्रेकर का जो डिलीवरी कैन का रफिंग आएगा तो 0.120 आएगा। तो अपन उसमें अगर ऐसा होता है तो नंबर ऑफ एंड यूज मतलब कितना कार्डिंग का डिब्बा हम लगाएंगे, तो 8 डिब्बा लगाएंगे समझ लो। तो ड्राफ्ट कैलकुलेशन कैसे होता है, डिलीवरी हैंक ये हो गया 0.120 इंटू नंबर ऑफ डबलिंग मतलब 8 डिब्बा लगाते गुणा 8 करना डिवाइड बाय 0.130 ये आ गया 7.38 का अपन को ड्राफ्ट चाहिए। 7.38 का ड्राफ्ट चाहिए तो हमको 7.38 का ड्राफ्ट देंगे अपना रैपिंग बैठ जाना चाहिए। लेकिन हम जब एक्चुअल ड्राफ्ट देने लगते हैं तो उसमें अपन 0.25% ड्राफ्ट कम देते हैं। कम इसीलिए देते हैं जैसे ड्राफ्टिंग जोन में जैसे अपन मटेरियल चालू हो जाएगा उसमें कुछ सर्ट फाइबर रहेगा, डस्ट रहेगा, माइक्रो डस्ट रहेगा, वो सब सक्शन के थ्रू फैन में चला जाएगा या मिट्टी रहेगा, ट्रस रहेगा, ड्राफ्ट जोन में गिर जाएगा, तो ये अपन को 0.25% ड्राफ्ट कम देना पड़ता है। तो 7.38 की जगह माइनस 0.25% मतलब 7.38 माइनस 0.09% हम कम कर दिए, मतलब एक्चुअल ड्राफ्ट जब देने लगेंगे 7.29 देंगे तब जाके अपना रैपिंग एक्चुअल रैपिंग आ जाएगा 0.120। तो उसके लिए हम आपको एग्जांपल बताते हैं। समझ लीजिए अपन DO6 ड्राफ्ट फ्रेम चल रहा है। DO6 में क्या होता है, ड्राफ्ट कंस्टेंट होता है 3.8, तो 48 होता है जो ड्राफ्ट चेंज कंस्टेंट पिनियन। ये स्लाइबर का नंबर ऑफ डबलिंग का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 8 स्लाइबर चलाते हैं, 8 स्लाइबर में ये DCCP रहेगा 48। अगर अपन इसको 6 स्लाइबर का करेंगे, 6 स्लाइबर का अगर अपन यूज करते हैं कहीं कहीं तो ये रहेगा ये 63। तो अपन 8 स्लाइबर कर रहे हैं तो इसे DCCP अपन 48 टीथ पकड़े हुए, ड्राफ्ट कंस्टेंट हो गया 3.8। तो उसका CP कैसे निकाला जाएगा, 7.29 अपन ड्राफ्ट चाहिए, ड्राफ्ट इंटू DCCP डिवाइड बाई ड्राफ्ट कंस्टेंट 3.8। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करना 3.8, तो 92 आ जाएगा CP। 92 CP लगा देंगे अपना बराबर 120 का रैपिंग आ जाएगा। ड्राफ्ट कैलकुलेशन में अपन ड्राफ्ट फ्रेम फिनिशर के बारे में बताएंगे अभी। तो उसमें समझ लीजिए ब्रेकर रैपिंग अपना 0.120 और रिक्वायर्ड फिनिशर रैपिंग 0.110। 8 स्लाइबर का अपन यूज करेंगे फिनिशर ड्राइव में, 8 कैन का अपन 8 यूज करेंगे, तो ड्राफ्ट रिक्वायर्ड कितना हो गया, 0.110 मल्टीप्लाई इन 8 डिवाइड बाई 0.120। तो ये 7.33 का ड्राफ्ट चाहिए। जैसे कि मैंने ब्रेकर ड्राफ्ट में बोला था उस पर अपन जितना ड्राफ्ट बैठता है उसमें 0.25% ड्राफ्ट कम देते हैं। इसलिए कम देते हैं कि उसमें फ्लाई निकलता है, डस्ट निकलता है, माइक्रो डस्ट उड़ जाता है, ट्रैश भी निकलता है, वो सब मिला के 0.25% का घटा देंगे तो 7.33 की जगह 7.24 का ड्राफ्ट एक्चुअल चाहिए। तो अपना समझ लीजिए हम फिनिशर ड्राइंग RSB चला रहे हैं तो उसका ड्राफ्ट कंस्टेंट हुआ 6.017। अलग मशीन होगा, अलग तरह का कंस्टेंट होगा, तो उसमें 6.017 में अपन को LW2 LW1 दोनों है ड्राफ्ट चेंज गियर, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, दोनों मिला के अपन ड्राफ्ट सेट करते हैं। तो उस हिसाब से देखें 7.24 का ड्राफ्ट हो गया डिवाइड बाई 6.017 इज इक्वल टू LW2 बाई LW1। और LW2 हम अज्यूम कर लिए समझ लीजिए 58 का डालेंगे तो LW1 कितना आएगा, 58 इंटू 6.017 डिवाइड बाई 7.24, तो LW1 जो है 48.2 आता है कैलकुलेशन में। तो 48 का अपन डाल देंगे तो आ जाएगा अपना ड्राफ्ट 7.24। तो कुल मिलाकर आप ये
कांस्टेंट अलग अलग रहेगा हर मशीन का। तो आरएसपी जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता दिया, आरएसपी का उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करिएगा। वो चार्ट भी होता है उसमें मशीन में, तो ड्राफ्ट कितना चाहिए उसमें, NW2 कितना डालेगा, NW1 कितना डालेगा, उसमें आ जाएगा चार्ट के हिसाब से। ड्राफ्ट कैलकुलेशन का अगला मशीन है स्पीड फ्रेम। स्पीड फ्रेम के बारे में हम बताते हैं। उसमें समझ लीजिए हम फिनिशर ड्राफ्ट फ्रेम का रैपिंग 0.110 लिए, अपन को रोबिंग यहाँ के रिक्वायर्ड 0.90 का अपन को रैपिंग निकालनी है। तो ड्राफ्ट आ गया कितना, 0.90/0.110, तो 8.18 आया। तो एक्चुअल जो ड्राफ्ट होता है हम इसमें सिंपलेस्ट पे लगभग 2% एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि फ्रंट रोल से जो मटेरियल निकलता है उसमें हम TPI देते हैं, ट्विस्ट देते हैं, तो थोड़ा छोटा हो जाता है। और ड्राफ्ट जोन में उसके शर्ट फाइबर वगैरह अंडर क्लियरर और पॉजिटिव क्लियरर से निकल जाता है, वो ऐसे ही हल्का हो जाता है, पतला हो जाता है, इसलिए अपन 2% ड्राफ्ट ज़्यादा देंगे। पहले से फाइन बढ़ाएंगे तो अपना वो कोर्स हो जाएगा। तो 8.34 का ड्राफ्ट दिए। फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट कांस्टेंट 544 है, तो 544 में अपन को ड्राफ्ट डिवाइड करने का, जो कैलकुलेशन में ड्राफ्ट आया 8.34 इसको डिवाइड करने का, ये आ जाएगा CP आ जाएगा, 65.22 आया, तो 65 आया। और अगर सिंपलेस में हम समझ लीजिए LF 1400 का सीरीज रखे, LF 1400 का रखे, तो CP कभी भी चेंज करते तो BD CP उससे लिंक रहता है, मतलब जो ड्राफ्ट कंस्टेंट रहता है ना वो CP BD CP दोनों से लिंक रहता है, बाकी किसी मशीन में BD CP से कोई लिंक नहीं रहता ड्राफ्ट का, लेकिन LF 1400 में वो सीरीज में रहता है, लिंक रहता है। समझ लीजिए CP अपन 65 डाले और BD CP एग्जांपल 57 डाले, तो हम अगर 65 अगर CP नहीं मिला तो हम समझ लीजिए 63 का CP डाले, तो इसको बढ़ानी पड़ेगी उसी, दोनों का मल्टीपल एक ही होनी चाहिए। तो 65 का जो हो गया 65 × 57 × 57 डिवाइड बाय 63, तो ये 59 हो जाएगा, BD CP 59 हो जाएगा। ये CP कम करेंगे तो BD CP बढ़ानी पड़ेगी, CP बढ़ाएंगे BD CP कम करनी पड़ेगी। ये खाली LF 1400 वाला सीरीज में, बाकी किसी मशीन में नहीं है। ड्राफ्ट कैलकुलेशन का लास्ट है रिम फ्रेम। रिम फ्रेम में हम ड्राफ्ट कैसे कैलकुलेशन करते हैं, एग्जांपल हम 24 काउंट का धागा बनाएंगे, 24 काउंट का धागा बनाएंगे, रोबिंग हैंग हो गया 0.90, ठीक है। तो ड्राफ्ट कितना आएगा, 24/0.9 हो गया 26.66। तो एक्चुअल ड्राफ्ट जो मशीन में अपन गियर कैलकुलेशन में देंगे उसमें 5% हम एक्स्ट्रा लेते हैं, 5% इसीलिए एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल चलाते हैं, होजियरी चलाते हैं, वार्प चलाते हैं, सिंथेटिक चलाते हैं, कॉटन चलाते हैं, ये सिंथेटिक के हिसाब से लिया हुआ 5% लिया हुआ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इसीलिए देता है क्योंकि फ्रंट रोल से अपना जो मटेरियल निकलता है उसके बाद ट्विस्ट होता है, छोटा हो जाता है, वो अपना उसी हिसाब से ड्राफ्ट ज़्यादा लेंगे, फाइल निकालेंगे तो छोटा हो गया, अपना एक्चुअल काउंट बढ़ जाएगा। तो ट्विस्ट कंट्रैक्शन से डिपेंड करता है, ये सिंथेटिक में 5% लिए, कॉटन में अपन 6-8% लेते हैं, होजियरी काउंट में 6%, वार्प काउंट में 8%, वो डिपेंड करता है TM कितना दिया हुआ कॉटन में, फाइबर कैसा है, लेंथ का कितना, डेंजर का, उसे डिपेंड करता है। तो एग्जांपल ड्राफ्ट कंस्टेंट अपना किसी रिम फ्रेम का पकड़े 1115 है ड्राफ्ट कंस्टेंट, तो 1115 में अपन ड्राफ्ट भाग कर दिए 28, ये आ गया CP 39.8,
मतलब राउंड फिगर लेना पड़ेगा, 40 टीथ का अपन ये लगा है सिप्पी। इन केस ऑफ एलआर मशीन एग्जांपल ड्राफ्ट कांस्टेंट हो गया 10.519, तो हम इसको जो बैक रोलर होता है, बैक रोलर व्हील जो ड्राफ्ट चेंज करता है, फाइन चेंज करता है, इसको अपन आजूम के एक को समझ लो 110 का पकड़े, बैक रोलर व्हील 110 पकड़े, उसके बाद में ड्राफ्ट लेते हैं तो सीपी निकलता है, सीपी निकलता है। वो कैसे निकलता है, 10.519 इंटू 110 डिवाइड बाई ड्राफ्ट हो गया 28 इज इक्वल टू हो गया 41.3 या 41 का सीपी चाहिए। तो ये बैक रोल कोई भी अज्यूम कर लो, 110 ले सकते हो, 108 ले सकते हो, उसी हिसाब से सीपी चेंज हो जाएगा। तो उसी हिसाब से एलआर मशीन में ऐसे रहता है, अलग अलग तरह तरह मशीन में तरह तरह ड्राफ्ट कांस्टेंट रहता है, उसी हिसाब से फिर करना पड़ता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा। थैंक यू।